आज प्रश्न ये है, चरित्र है क्या चीज? अपने माता पिता को धोखा न देना, ये चरित्र के अंतर्गत पार्ट शामिल है। गुरु के साथ में छल कपट ना करना, ये भी चरित्र का ही एक पार्ट है। कितने लोग तो गुरु को भी ठग लेते हैं। गुरु पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, वो भी ठगा जाता है। भाई से बेईमानी न करना, ये भी चरित्र का एक हिस्सा है। अपनी पत्नी के अलावा दूसरे की पत्नी में मोहित न होना, अपने पति के अलावा दूसरे के पति में सम्मोहित न होना, ये भी चरित्र का एक अनोखा हिस्सा है, अंग है। अपने धन को संभाल कर रखना, लेकिन दूसरे के धन में लोभ न करना, ये भी चरित्र का एक अंग है। चरित्र छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी आप सुनते होंगे नेताओं की कहानी, अफसरों की कहानी, तो लोग कहते हैं सब नेता अफसर भ्रष्ट है। काहे का भ्रष्ट है, किसमें भ्रष्ट है? वो है भ्रष्ट, रिश्वत खाता है इसलिए भ्रष्ट है, घोटाला करता है इसलिए भ्रष्ट है। भ्रष्ट कई प्रकार के होते हैं, योग भ्रष्ट, भोग भ्रष्ट। जो साधु अपनी साधना से विचलित हो जाता है, ब्रह्मचर्य से विचलित हो गया, वैराग्य से फिसल गया, उसको कहते हैं वो साधु भ्रष्ट हो गया। साधु को भी भ्रष्ट कहते हैं, योग भ्रष्ट। योगी थे, सन्यासी थे, योग भ्रष्ट हो गए। लेकिन आपने योग भ्रष्ट शब्द सुना है, पर एक शब्द और है जिसको कभी नहीं सुना है, पर मैं सुनाता हूं, वो है भोग भ्रष्ट। भोग में भी भ्रष्ट हो जाते हैं। संसार में विवाह किया है, किसी को पति चुना है, किसी को पत्नी चुना है, अगर उसके अलावा यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र मन भटक जाता है, गृहस्थाश्रम तो भोग मार्ग है, लेकिन उस भोग मार्ग में तुम भोग भ्रष्ट हो गए, वहां भोग भ्रष्ट होते हैं। साधु साधुता से विचलित होने लग जाए तो योग भ्रष्ट है, और गृहस्थ अगर अपने गृहस्थी के नियम से डगमगा जाए तो वो भोग भ्रष्ट हो जाता है। और नेता अफसर यदि घोटाला करे, रिश्वत खोब खाए, तो उसको केवल क्या कहते हैं? वो भ्रष्ट कहते हैं। लोग कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब आप मॉस्क लगाए हैं, ठीक है, मॉस्क नहीं लगा है, पुलिस ने रोका, 500 रुपये जुर्माना लिखना शुरू किया, तुमने 100 रुपये दे दिया, उसने जेब में रख लिया, रसीद नहीं काटा, तुमने सोचा हमारे 400 बच गए क्योंकि 500 जुर्माना था, अब पुलिस ने सोचा हमको 100 मिल गए, भाड़ में जाने दो सरकार, तुम जाओ मॉस्क। ये यहां पर अफसर भ्रष्ट हो गया। और जिस देश के अफसर भ्रष्ट हैं, नेता भ्रष्ट हैं, योगी भ्रष्ट है, भोगी भ्रष्ट है, वो देश कितने गर्त में जाएगा, सोचिए। इसलिए योगी को अपने योग में अटल रहना चाहिए, और सांसारिक व्यक्ति को भी अपनी मर्यादा में टिका रहना चाहिए। जैसे राम भगवान पंचवटी में सुवर्णखा आती है, राम को आकर्षित करती है, लेकिन राम आकर्षित नहीं होते ना। यदि वे आकर्षित हो जाते सुवर्णखा के साथ में विवाह कर लेते तो लंका ससुराल बन जाती, रावण उनका डेढ़साला बन जाता, फिर तो मस्त, क्या दमादम मस्त कलंदर, समुद्र पार पहला नंबर। लेकिन फिर राम को
मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि नहीं मिलती, फिर राम को श्री भगवान के नाम से नहीं जाना जाता, राम की पूजा में बाधा पड़ जाती। इसलिए याद रखना, परशुराम की पूजा राम के समान क्यों नहीं होती है, बलराम की पूजा कृष्ण के समान क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनके नंबर कम है। परशुराम तो बहुत क्रोध करते थे, इसलिए परशुराम को पूजा से हटा दिया गया कि मंदिर में बिठा दोगे तो किसी दिन क्रोध आ गया जो इतने देवी देवता सबको पटक पटक के मारेगा, इसको निकलो। परशुराम तो बुढ़ापे में भी भिड़ जाते थे, लेकिन परशुराम में विशेषता थी, अन्याय के खिलाफ रहते थे, सह नहीं पाते थे। अत्यधिक अनीति को देख करके परशुराम के अंदर क्रोध आ जाता था, और धीरे धीरे परशुराम अपना परिचय भी देते थे तो कहते थे कि बाल ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोधी हूं। पहले से बता देते थे अति क्रोधी हूं, संभल कर बात करना, नहीं झापड़ तुरंत मार दूंगा। ऐसे जैसे कोई बोल दे कि मैं बॉम्बे से आया हूं, गुरुदेव का भक्त हूं, लेकिन क्रोधी बहुत हूं, तो तुम उठ के अलग बैठ जाओगे, क्योंकि इसके पड़ोस क्यों बैठे हो, क्रोध आ जाएगा, पीट देगा। तो परशुराम जी अपना परिचय पहले से ही दे देते थे कि बाल ब्रह्मचारी हो, अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व जानता है मैं क्षत्रियों का विद्रोही हूं, क्षत्रियों से पंगा लेता हूं, मारता हूं। राम क्षत्रिय हैं, परशुराम ब्राह्मण है, और दोनों भगवान हैं। राम पूर्णा अवतार और परशुराम अंशा अवतार, और दोनों भगवान जनकपुर में राजा जनक के यहां जानकी के मंडप में, विवाह मंडप में आमने सामने भिड़ गए। राम भगवान क्षमा मांगते हैं, नम्रता राम भगवान का आभूषण है, और उनकी नम्रता से परशुराम कहते हैं तुम्हें मीठी चुपड़ी बातें करना बहुत आता है, तेरा भाई और लक्ष्मण इतनी कड़वी बात कहा है घाव छू गया, तुम अब आए हो ऊपर मलहम लगाने, अरे राम साइड हो जाओ, ऐसे चापलूस बात निकलो। राम क्रोधित नहीं होते, राम में विशेषता थी, राम बहुत बुद्धिमान थे। तुम सब एक भजन गाते हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना और सीता को साथ में लिए आना, धनुष लेकर आना, ये करके आना, वो करके आना। कभी ये भी गाओ, माइक लेके आना, वीडियो भी लेके आना, और साधु को भी लेके आना, और हलवा भी ले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ ले हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें क्षमा रूप में आना, तुम्हें क्षमा रूप में आना,
ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना बोलिए सद्गुरु देव की जय भक्ति आपको भ्रष्ट होने से बचाती है यदि आपके मन में देश भक्ति है देश के प्रति तुम गद्दारी नहीं कर सको यदि पूर्ण गुरु भक्ति है तो गुरु के साथ में तुम धोखा धड़ी न कर सकोगे यदि मातृ भक्ति और पितृ भक्ति है तो अपने माता पिता से विश्वासघात न कर सकोगे और यदि गौ भक्ति है तो गाय के पीठ पे कुल्हाड़ी न मार सकोगे गाय को करंट लगाकर मार नहीं पाओगे लंगड़ी गाय को देखकर दया आ जाएगी उसकी सेवा करोगे भाव जग जाएगा सेवा करो और भक्ति से सेवा का जन्म होता है आज यहां जितने लोग बैठे हैं सबके मन में भक्ति है इसलिए आपको सत्संग प्राप्त हुआ है और सत्संग के बाद जो कथा हो रही है इस कथा में तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है दूसरी भक्ति है तीसरी भक्ति फिर गुरु की सेवा करने का मन होता है आज झालावाड़ के हमारे भक्त देव सिंह पुष्प बिखेरते हुए आ रहे थे रास्ते पुष्प डाल दो कोई भक्त श्री लोकेंद्र यादव प्रजापति जी आप चरण पादुका लेकर आए एक पेटी तिल की पापड़ी और मूंगफली के दाने की पापड़ी लाए साधु संत बहुत है इसको पापड़ खिला दो तिल का पापड़ पूरा पेटी फुल है तुम सोचते होगे इतनी बड़ी पेटी आई अकेले गुरुजी ने रख लिया है कमरे में चुपके चुपके खाएंगे हमको नहीं दे शाम को संध्या वंदन के बाद बटेगी जब संत सब उपस्थित होंगे चुपके नहीं खाऊंगा सबको खिलाऊंगा भरोसा रखो धोखा नहीं दूंगा आपको साहिब पंत की और जब भक्ति बढ़ती आस्था बढ़ती श्रद्धा बढ़ती तो सेवा करने का मन होता है ये तीसरी भक्ति राम ने बताया तो आज उन्होंने 21,000 की राशि संत सेवा गुरु सेवा भक्तों की भंडारा की सेवा के लिए गुरु के चरणों में समर्पित किया है गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान भगवान श्री राम कहते हैं गुरु के कमल रूपी चरणों की पंकज कमल को कहते हैं कमल रूपी चरणों की सेवा करना चाहिए तन से करो मन से करो धन से करो बुद्धि से करो भूमि दान देकर करो समय दान करो
वस्त्र दान, फल दान, भोजन दान, अन्न दान, जो भी तुम्हारे पास में सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार सेवा करना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं भेरा राम चौधरी जी विशाखापट्टनम के, तो कह रहे थे कि उज्जैन में जो आश्रम बनेगा उसमें जितना इलेक्ट्रिक सामान लगेगा, बिजली वाला, वायर है, स्विच बोर्ड है, स्विच है, बल्ब है, राड है, हेलोजन है, सोलर लाइट, जो भी, उस सब में निःशुल्क दान करूंगा, मेरा इलेक्ट्रिक का बिजनेस। तो उन्होंने जोड़कर हमको बताया कि 15 लाख का लगेगा करीब करीब। तुमने कहा अभी तो जमीन भी नहीं लिया, कैसे जोड़ लिया? बोले हम सब समझ लिए कि बड़ा आश्रम बनेगा, 15 लाख की लाइट लगेगी, खर्चा है। तो हमने कहा ठीक है, और बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि जमीन भी मैं खरीद कर दूं और मकान वहां जो बने वो भी बना कर दूं, सब सेवा मैं कर दूं, मुझे बड़ा उद्योगपति आशीर्वाद देकर बनाओ, मुकेश अंबानी जैसा बना दो, फिर हम सेवा करेंगे। 7 महीने से लॉकडाउन है जिसमें 135 कुंटल अन्न भेजा है, लगभग मैं मुस्तफाबाद कबीरधाम तपोभूमि श्री क्षमादेव के सानिध्य में रहा, 3 बार वहां गाड़ी गई पहुंचाने के लिए, 1 बार यहां गाड़ी आई आई। 22 कुंटल तो मिश्री भेजा है, 22 कुंटल मिश्री घोर घोर पीऊ। छह गीजर भेजा है, बहुत बड़ी सेवा है। और हमारे परम भक्त श्री आरवी सिंह जी, श्रीमती आशा सिंह जी, बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट ठाणे महाराष्ट्र वाले, वो माता जी हर तीसरे चौथे दिन बोलती है, उसके पति जी बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर वो आशीर्वाद लेती, यही बात बोलती, गुरुदेव आप कोई चिंता मत करना, आपको कुछ भी नहीं होगा और आपके भक्त बहुत हैं। ऐसे बताती, बहुत भक्त हैं आपके, हम सब देख लिए, बहुत भक्त हैं और सभी श्रद्धा वाले हैं और हम भी श्रद्धा रखते हैं, कुछ भी कमी नहीं होगी, चाहे कोरोना आए और चाहे पोरोना आए, आपकी सेवा में कमी हम लोग नहीं होने देंगे। वास्तव में भक्त की श्रद्धा अपने श्रद्धेय के प्रति फिक्र करती है कि हमारे श्रद्धेय गुरुदेव को कोई संकोच तो नहीं है, उनकी व्यवस्था बनाती है। गुरु तुम्हारे भीतर आस्था पैदा करता है, फिर तुम्हारी आस्था गुरु की व्यवस्था को पैदा करती है, और आस्था और व्यवस्था के बीच में मोक्ष का रास्ता निकलता है, कल्याण होता है। इसलिए गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखना चाहिए और गुरु भी वैराग्यवान होना चाहिए, तपस्वी गुरु हो, ब्रह्मचारी गुरु। अभी मैंने सुनाया ना बाल ब्रह्मचारी, परशुराम में ये विशेष गुण है कि बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी संत का मिलना भी बहुत कठिन है, बीच में तो बहुत लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, आधे दिन भोगाचारी, फिर बीच में ब्रह्मचारी, फिर लास्ट में बिना बिचारी। ऐसा तो बहुत सारा लोग हो जाता है, घर में हुई खटपट तो चल गुरुवर के मठ पर, और गुरु ने बताया काम तो चेला रमता राम। कुछ ऐसे भी लोग साधु बन जाते हैं, घर में मार पीट करके, लड़ाई झगड़ा करके, पत्नी को मार कर, और बेटे ने उनको कूटा खूब है, और फिर साधु बन गए,
फिर मेरे पास आए, बोलते साहेब बंदगी साहेब पकौड़ी खाओ साहेब। तो मैं सोचता हूँ पीछे से उसका बैठा है, अरे बोले ये काल तुम्हारे पास बैठा है। नहीं, कहीं काल है, ये तो कल ही आया। बोले ये तो मम्मी को मार कर आया है, मैं भी इसको रपटा के पीटा, और ये तुम्हारे पास देखो कब तक साधु रहता है, किसी दिन तो उपाधु बनेगा। साल दो साल बीता, फिर साधुओं से अकड़ने लगा, ऐठने लगा। बोला काटी कूटा कर दूंगा, गुरु बोल रहा आलू काट, बोले आलू नहीं काटूंगा साधु काटूंगा। अरे आलू गोभी काट, बैंगन काट, भिंडी काट, बोल रहे नहीं इसको तो नहीं काटूंगा साधु काट दूंगा। अब इतनी ऐठ दिखा रहा है, ये काहे का संत है, कैसा ब्रह्मचारी का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप केवल संसार के भोग न भोगे, ब्रह्मचारी का अर्थ ये भी है संसार को गलत दृष्टि से देखना भी नहीं, आंखों से भी ब्रह्मचारी बनो, कानों से भी ब्रह्मचारी बनो, कानों से भी भोग विलास के शब्द सुनना नहीं है, और याद रखना हाथों से भी ब्रह्मचारी बनो, पैरों से भी बनो, और बातों से भी वाणी से भी ब्रह्मचारी बनो। तुम्हारे मुख से भी चर्चा भोग विलास की नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य की ही चर्चा होनी चाहिए। जय साहिब बंदगी साहिब, और साधु की जान है ब्रह्मचर्य। बिल्कुल, यदि आपकी नेत्र बस में है तो जिस पर तुम दृष्टि डाल दोगे वो कृपा की दृष्टि बनेगी, और वो कृपा की दृष्टि से उसके ऊपर अगर कोई बाधा बला की नजर है तो आपकी कृपा की नजर से बाधा बला का प्रभाव खत्म हो जाए। बहुत से मेरे पास आते बोलते घर में बहुत बाधा बला है, आला बला बाधा बला। तो हमने कहा कैसी बला है, बोले रात में पत्थर गिरते घर में। तो हमने कहा दिन भर बटोर के रखो, दीवार उठाओ, तुम बेवकूफ आदमी, 600 रुपया ट्राली वाले दो तब पत्थर लाकर ट्राली भर डालता है, कितने किस्मत वाले हो गिर रहे हैं अपने आप। अरे बोलता है छोटे छोटे गिरते हैं। तो हमने कहा छोटे गिरते हैं तो उनको न्यू में डाल दो, कूट के बनाओ मकान। बोलता है पता नहीं कौन बला है ऊपर से गिरते हैं। तो हमने कहा पत्थर हमेशा ऊपर से गिरता है, नीचे से थोड़ी गिरता है। तो मैंने कहा चावल लाओ थोड़ा, तुम चावल लाए, गुरु मंत्र पढ़ दिया। हमने कहा छिड़क दो घर में। रात भर सो गए वो लोग, सवेरे आए बोले सब ठीक हो गया, आज कोई पत्थर नहीं गिरा, है शक्ति। तो हमने कहा बिल्कुल है। बोले कि अब क्या करूं। मैंने कहा आप दान पुण्य करो। बोले गरीब आदमी हूं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा तो पत्थर फिर गिरा दूंगा और क्या, कुछ कर नहीं पाओगे, बाधा वाला। आपके ऊपर अगर कोई संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, बस एक ही काम करना, गुरु का सच्चे मन से ध्यान करना, और ध्यान करके गुरु से कहना, गुरु तो दूर है वो सुन नहीं रहा है, फिर भी तुम वही कहना, हे गुरुदेव इस कष्ट से आप उबार लो, इस दुख से उबार लो। गुरु की शक्ति भक्ति आपको उस दुख से पार कर देगी। मेरे पास एक भक्त का फोन आया, बोला आज चुनाव है। तुमने कहा किस बात का चुनाव। बोले वकीलों का चुनाव, बार एसोसिएशन कोर्ट में चुनाव वकीलों के होते हैं, अध्यक्ष बनता है साल भर के लिए। तुमने कहा तो चुनाव है तो क्या बात उसमें। बोले मैं खड़ा हूं, दो बार हारा हूं, बुरा हाल हुआ है, इस बार मैं सोच लिया आपसे आशीर्वाद ले लूं, गुरु का भी बल लग जाए। तो हमने कहा सबको हाथ जोड़ो नमस्कार करो, जीत हो जाएगी। शाम को उसने फोन किया कि पूरा जीत गया हूं, कर दे जीत हो गई। हमने कहा कहना मत, नहीं जो हार गए वो हमको निपटा देंगे, समझता है तू। बोले कह तो दिया पहले से ही सबको, तो क्या करूं।
हमने कहा अब क्या करेगा, गुरु को निपटा दे और क्या करेगा। गुरु के आशीर्वाद से जो जीत हुई है, यदि उस गुरु के आशीर्वाद का प्रचार करने में कुछ खतरा है तो उसको गुप्त रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि एक महात्मा था उसको फिर लोग नाराज हो गए थे। उसने आशीर्वाद दिया, किसी को विजय मिल गई तो दूसरी पार्टी फिर उससे रुष्ट हो गई। इसलिए आशीर्वाद को भी उनसे मत बताना जो खतरनाक लोग हैं, गुप्त रखना। और गुरु की शक्ति काम करती है। मैं अपने गुरु का स्मरण कर लेता हूं, जब कोई विकट स्थिति होती है तो गुरु को स्मरण करता हूं। एक बार मैं बिहार में था तो वहां से लौटने के लिए हमारे पास में राशि कम थी, क्योंकि हम किसी प्रदेश से लौटते हैं तो 1,00,000-1,25,000 का तो डीजल जल जाता है, जब 1,000-1,100 किलोमीटर लौटते हैं 14-15 गाड़ी रहती है जिसमें 3-4 ट्रक रहते हैं, 14 टायरा भी ट्रक, तो कुछ राशि कम पड़ रही थी। तो मैं श्री क्षमादेव को याद किया कि कुछ करो, कृपा कर दो। तो सवेरे मेरे पास एक फोन आया कि राज पैलेस में आपसे भेंट करने आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो मेरे पास खीर भी थी तो मैंने उसको खीर खिलाया, तो उसने पूरी राशि अर्पित किया। बोला मुझे आज रात को सपना आया कि असंग देव को आज इतना दान दे दो, तो मैं फोन लगाया, आप यहीं से निकल रहे थे, दे दिया। तो हमने कहा जय हो क्षमा देव की, क्या करें करिश्मा। वैसे सैकड़ों बार पूज्य श्री क्षमा देव की परीक्षा मैंने ले लिया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा विनम्रता पूर्वक करना चाहिए। सेवा का भी अभिमान ना आए कि हमने इतनी बड़ी सेवा किया है। सेवा बड़ी से बड़ी करो लेकिन अहंकार छोटा से छोटा भी मत करो, क्योंकि दूध में एक भी मक्खी गिर जाती है तो दूध पीने का मन नहीं होता है। आपकी सेवा में यदि अभिमान की मक्खी गिर गई तो सेवा जो अमृत का काम कर सकती थी अब वो साधारण रह गई है। इसलिए मक्खी अहंकार की नहीं। सिरेले स्वभाव नमने को ठिलाई, यथा लाभ सन तो से सदाई। सरल स्वभाव न मन को ठिलाई, ये भक्ति की जान है, चौपाई मानस की चौपाई है। ये राम ने कहा है, पूर्ववासियों को समझाया है कि भक्ति में सरल स्वभाव को प्राथमिकता दीजिए और मन की कुटिलता मिटाइए। मन में जो कपट भरा है उसको दूर करो, अन्यथा भक्ति मुर्दा हो जाएगी। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। और जितना लाभ हुआ है उसमें सदैव संतोष भी रखो। संतोष रखने से भविष्य में लाभ होना बंद नहीं होगा, बल्कि लाभ तो होगा पर तुम्हें उसकी टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए संतोष ऐसी चीज है कि टेंशन मुक्त विकास करने का साधन संतोष। आप उसकी माला जपते रहो उससे कोई मतलब नहीं। आप तो कर्म करो, गुरुदेव का आशीर्वाद लो सब।